बड़ी खबर आ रही है पटना से, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ये लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी परीक्षा में बदलाव पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, पटना की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। बीपीएससी की परीक्षा में बदलाव पर छात्र भड़क गए, सैकड़ों की तादाद में छात्र पटना में इकट्ठा हुए, लेकिन खबर ये मिल रही है इन प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पटना से स्वास्थ्य की बड़ी खबर, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हुई है, एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की मांग की जा रही है। बीपीएससी परीक्षा में बदलाव पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और छात्र कह रहे हैं कि एक पाली में परीक्षा आयोजित कराए बीपीएससी। सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोले कि जैसे हमारा पहला एग्जाम 8 मई को हो गया था वही सिस्टम के अकॉर्डिंग था नहीं, और एकाएक इन्होंने चेंजेस ला दिया है। अगर हमें कोई चेंजेस लाना होता है बिना कैबिनेट के अप्रूवल के हम ला नहीं सकते, इन्होंने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के ला दिया, और इससे क्या होगा सर, ये एग्जाम एक्चुअली ये एग्जाम नहीं रह जाएगा, मजाक बन के रह जाएगा, क्योंकि कोई कोर्ट केस कर देगा जिससे क्या होगा बहुत दिनों तक मैटर लटका रहेगा। जैसे हम लोग झारखंड पीसीएस का एग्जाम्पल बेस दे सकते हैं, वहाँ 4-5 साल तक मामला लटका रहा और किसी को जस्टिस नहीं मिला। तो हम लोग सर ये परसेंटाइल सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ के परसेंटाइल में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। और हमारी मांग है सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारी मांग जल्द से जल्द मान ली जाए। और बिहार में एक बार फिर से छात्र सड़कों पर है, संजीव सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजीव, सरकार कोई भी रहे बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने छात्रों को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन नीतीश कुमार के एक बार फिर से तेजस्वी के कार्यकाल में वही हो रहा है जो पहले होता चला आया है। संजीव, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी कुछ देर पहले बीपीएससी परीक्षा को लेकर जाम को लेकर जिस तरह हंगामा हुआ है, पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया और लोगों को तितर बितर किया है, साफ कहना है कि परीक्षा एक ही बार ली जाए, ये दो बार जो परीक्षा लेने की परंपरा उसको खत्म किया जाए, परसेंटाइल की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं, और इसके पहले भी लगातार वो हंगामा कर चुके हैं बीपीएससी ऑफिस के आगे। और आज जिस तरह से तमाम छात्र एकजुट हुए उसके बाद, हालांकि छात्रों की जो मांग है उसको सरकार ने दरकिनार किया है, लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल जो किया कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा था कि युवाओं को छात्रों को तवज्जो दिया जाएगा, तो तेजस्वी यादव सरकार बनने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन छात्रों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।